इस समय दुनिया में दो महायुद्ध चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन युद्ध और दूसरा आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध। इन दोनों युद्धों में से भारत को क्या फायदा हुआ और अभी तक इनका स्टैंड क्या है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, रूस और यूक्रेन युद्ध में रूस ने इसको मिलिट्री संघर्ष का नाम देते हुए जिस क्षेत्र में रूस के समर्थक रहते थे उस पर रूस ने कब्जा कर लिया और रेफरेंडम करा करके अपनी सरकार बना ली है, जिसके कारण अमेरिका ने एक यूएनओ में प्रस्ताव लाया था। पर यूएनओ यानी यूनाइटेड काउंसिलिंग, जो केवल 5 देश की कठपुतली माना जाता है, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, इन 5 देश है जिनके पास वीटो पावर है। मतलब यह है यूनाइटेड नेशन केवल 5 देशों की कठपुतली है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये 5 ही देश दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझ में आ रहे थे, जिनके कारण इसे यूएनओ में वीटो पावर दे दिया गया। और एज यूजुअल रशिया ने वीटो पावर ला करके इस निंदा प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पर आप थोड़ा सा समय इस पे लगाइए कि क्या होता यदि रशिया के जगह भारत होता और भारत ने पाकिस्तान के पीओके में कब्जा कर लिया होता और पाकिस्तान ने पीओके में मुद्दा उठा दिया होता। तब भारत के पास कोई भी वीटो पावर नहीं होती, जिसके कारण यदि ये सभी देश मिलकर के समर्थन कर देते तो सभी लोग मिलकर के भारत में आक्रमण कर देते, और आक्रमण ऐसे नहीं गोला बारूद के साथ करते और भारत को तहस नहस कर देते। इसीलिए भारत कभी भी फर्स्ट बार आगे से नहीं करता। और इसमें भारत के लाभ की बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत को रूस द्वारा बहुत ही डिस्काउंट में तेल बेचे गए हैं, जिससे भारत में तेल की प्राइस दुनिया के मुकाबले भारत में कम प्राइस में तेल मिलता है। आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध में आर्मेनिया है एक ईसाई क्षेत्र और अजरबैजान मुस्लिम क्षेत्र है, इसलिए अजरबैजान को टर्की और पाकिस्तान फुल सपोर्ट करते हैं। वही आर्मेनिया को सपोर्ट करने कोई नहीं आता, क्योंकि आर्मेनिया के जीडीपी $18 बिलियन, जिसके कारण आर्मेनिया तो बड़े हथियार खरीद नहीं सकता। इसलिए अमेरिका और रूस जैसे देश इसे ज्यादा बचाने नहीं आते, बस यही बोलते रहते हैं कि शांति रखो। इसीलिए आर्मेनिया ने अपने कम बजट में से भारत का सस्ता पिनाका मिसाइल सिस्टम अभी हाल ही में खरीदने की बात कही है। इस पिनाका मिसाइल सिस्टम में एक बार में 24 मिसाइल दागी जा सकती हैं और यह लगभग 48 सेकंड में ही 5 से 6 मिसाइल दाग देता है। यह मिसाइल दागने की एक सबसे सस्ती और कारगर युक्ति है। भारत छोटे डिफेंस के मामले में काफी कारगर है, पर बड़े डिफेंस के मामले में अभी उसको बनाना बाकी है। इसलिए छोटे देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए भारत बहुत ही आगे है। बाय द वे, दोनों युद्धों का विवरण सुन के आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मैं आज आपका नाम जानना चाहता हूँ, इसलिए अपना नाम कमेंट में लिख दीजिए। जय।